क्या चल रहा है आजकल, और तेरा क्या चल रहा है? अभी ये बता यार क्या चल रहा है। माई डिड सच बताया, पहले चल रहा था क्या सिमल और नेहा बागरे की लड़ाई चल रही थी, सो आप लोगों ने देखी थी। ज़्यादा कर देखो, नेहा बागरी की गलती कितनी है ना, फिर आ गई हमारी गुड्डन सोरन पे लड़ने के लिए, इसका भी कुछ ना कुछ करा, फिर पब्लिक ने इसका यूट्यूब ने क्या किया पता नहीं है, पर पब्लिक ने ज़्यादातर कमेंट नेगेटिव ही कमेंट दिए हम लोगों को। क्यों गाइस, अगर आपके साथ ये हादसा होता तो आप इस चीज़ को नेगेटिव लेते? नहीं लेते ना, ना ना ना, ना नहीं लेते, क्योंकि आपके साथ हादसा नहीं हुआ था ना जी। तो तू बता क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ जो हमको नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं? सही कह रहा है बंदा, ऐसे लोगों का हमें उनके जवाब में ही जवाब देना चाहिए, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तो फ्रेंड्स समझ में नहीं आता, पर एक बात बताओ, किसी के पैसे खा के कोई ज्यादा बड़ा अमीर हो जाएगा क्या? नहीं ना, नहीं हो सकता। ऐसे लोग मेरी नज़र में वहाँ चूतियाँ हैं। कैसे हैं? और देखो गुड्डन सोरन के या सिमल के पीछे तुम पड़ी होगे ना बागरी या मनीषा, तुमने तो सिमल जी के साथ इंजॉय बहुत किया है, तो पहले तुम उसकी वाइफ थी ना। ओहो सॉरी सॉरी, हम तो भूल गए गर्लफ्रेंड भी थी। पर एक बात है, किस खुद किस्मती सिमल की है, जल्दी से बच गए और उनकी जिंदगी में एक खूबसूरत लड़की आई। क्या नाम है उनका जल्दी 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 बताओ, यूट्यूब वाले को पता है? नाम सोच के बताओ। उनका नाम है रानी, ठीक है, मतलब एक राजा के लिए रानी, ठीक है। वो मनीषा, उसका तो टेस्ट ही खराब है, मतलब कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। पर सिमल और गुड्डन काफ़ी अच्छे क्यूट भाई बहन भी हो तुम, और तुम्हारी फैमिली भी काफ़ी अच्छी लगती है मुझको। पर कभी कभी ना थोड़ी सी कॉमेडी करते हो ना, काफ़ी बेहतरीन लगता है, और कॉमेडी वाला डांस फिर तो। और मुझे सिमल रानी का डांस काफ़ी पसंद है, ये मेरी पसंद है। पहले तो सिर्फ नॉर्मल ब्लॉग देखती थी, फिर मेरी फ्रेंड के साथ ही मतलब कि नेहा बागरी ने ऐसा कुछ कांड किया, बताओ आप लोगों बताओ ऐसा करना अच्छा लगा? कोई बंदा कि इतनी मेहनत से पैसे कमाता है, उसके हस्बैंड आपको बताइए रिक्शा चलाते हैं, और उसने मेरे को जब ये सब बातें बताई काफ़ी गुस्सा आया मेरे को इस चीज़ पे। पर फ्रेंड्स ऐसा नहीं करना चाहिए। नेहा बागरी फिर भी तुमने बहुत दिया, अभी तक तुमने माफ़ी नहीं, मतलब तुम दूसरों को ब्लेम कर रहे हो, मतलब टॉपिक पे टॉपिक टॉपिक पे टॉपिक ला रहे हो इस चीज़ को। मैं तो यही कह रही हूँ, पर मनीषा देखो गलत नहीं है, और उसको पागल बनाया जा रहा है। किस टॉपिक पे नेहा बागरी उसको पागल बनाई पता नहीं है, क्या मजबूरी है मनीषा की हम नहीं जानते हैं, पर शायद कोई मजबूरी रही होगी, शायद कुछ उसकी पर्सनल बातें होंगी जो हम सब लोगों को नहीं पता। पर मनीषा देखो तुम्हारा अभी तुम्हारे पास चैनल है, तुम अभी बहुत कुछ कर सकते, पर ये लोग तुम्हारा फ़ायदा ही उठाएंगे, क्या करेंगे आगे तुम्हारे साथ तुम जानो। पर ऐसा आगे से किसी साथ मत करना, प्रमोशन के लिए मैसेज या कुछ भी तुम करो, या तुम्हारा काम है, करवाने वाले गलत है तो करने वाले भी गलत है ना, गलती दोनों की है। पर तुम्हें उसके पैसे नहीं खाने थे, तुम्हें उसको जवाब देना था, और तुमने उसका मैसेज रिप्लाई भी नहीं किया था, उसके पास पूरे सबूत भी थे और आपके पास नहीं थे, और आप फिर भी पुलिस की धमकी दे रही हो भी सिमल को, किस वजह से? कोई वजह है भाई, तू ही बता दे, कोई वजह है? कोई वजह नहीं है, ऐसे लोगों को साथ ना गलत है तो गलती होना चाहिए, सही रहा। लोग अब लोगों के पास दिमाग होगा, लोग फिर भी हमको नेगेटिव कमेंट कर रहे थे। एक कुछ शिवानी थी नाम की लड़की जो मेरे यूट्यूब चैनल पर आई थी, वो बोल रही थी कि जा नेहा बागरी को फेस कर ले, ये कर ले वो कर ले, तो बहन सुन तू चमची होगी उसकी, तूने चमचागिरी कर रखी होगी, नेहा बागरी ने तो उसको पैसे दिए ना, पकड़ गई ना। ऐसे लोग तो गुड्डन सोरन, ऐसे लोगों से दूर रहना, और ऐसे लोग ऐसे लोगों की बात तो नहीं सुनते, आप तो क्यूट हो ठीक है, और आपकी फैमिली का हमारा सपोर्ट हमेशा रहेगा, लाइफ टाइम तो नहीं, जिंदगी
तो पता नहीं, पर आप लोग ऐसे खुश रहो, परिवार के साथ रहो और आप सब हैप्पी रहो। ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना, ठीक है? नहीं आप आगे जैसे लोग दूर रहो। बाकी मनीषा तो अपनी ज़िंदगी जी लेगी, जैसे जीनी है उसको, उसको अपना तरीका पता है। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। बाय बाय।